नमस्कार वॉरियर्स, न्यूज़ बुलेटिन एपिसोड नंबर 2 में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। 120 मैन इंडिया यूट्यूब चैनल में रोज़ हम लेके आते हैं आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बुलेटिन। हाँ दोस्तों, ऐसे ही आज का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बुलेटिन है ये है 120 मैन का कैरियर के बारे में। आप जानते हैं हर साल 55,000 सोल्जर्स रिटायर होते हैं, जिनमें से बहुत ही कम लोगों को गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। लगभग 5,000 लोगों को हर साल गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सब मिला करके सेंट्रल स्टेट पीएसयू सब मिला करके 50,000 लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। पर आज मैं आपको ऐसे एक एश्योर्ड कैरियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का द्वारा है और बहुत भारी मात्रा में हर साल रिक्रूटमेंट होता है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोचा, मैं DSC के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेटर को, ये लेटर EAD सेंटर का द्वारा इशू किया गया जो कि DSC भर्ती के लिए इस समय रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका जो लेटर है इसका मुताबिक 8 और 9 नवंबर दो दिन आपको समय दिया गया, इस दो दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है EAD सेंटर में। इस दो दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फाइनल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो होगा 16 नवंबर से। पर इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कैटेगरी में एनरोलमेंट होगा और इसके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि DSC में एनरोलमेंट के लिए सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आप बिल्कुल सिर्फ 1 होना चाहिए, किसी तरह का लो मेडिकल कैटेगरी नॉट एक्सेप्टेड। एज लिमिट है सोल्जर GD के लिए है 46 ईयर्स। वहीं आप अगर सोल्जर क्लर्क थे तो आपके लिए 48 ईयर्स। अगर आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, सेफ 1 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, वो है कि आपका रिटायरमेंट 2 साल का अंदर होना चाहिए, यानी कि नवंबर 2019 का बाद आप रिटायर होना चाहिए। उससे पहले अगर आप रिटायर हुए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन DSC। सो दोस्तों, आज का ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही था। अगर इस लेटर को आप देखना चाहते हैं जो कि स्क्रीन पे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में क्लिक करें या फिर हमारा वेबसाइट, आपका अपना वेबसाइट ESM इन्फो क्लब, गूगल में जाके सर्च करें ESM इन्फो क्लब, टाइप करें www.esminfoclub.com। यहाँ पे आपको मिलता है एक सर्विस बैंड एंड सर्विंग सोल्जर्स सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसी तरह इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।